और बृहस्पति देव दोनों की ही पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन केले के वृक्ष में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव दोनों का ही वास माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की भी कथा की जाती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा और उपाय किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु से संबंधित किए गए उपायों से माँ लक्ष्मी भी खुश होती हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप बृहस्पतिवार के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस उपाय को करने के लिए आप एक केला लें और ऐसा केला लीजिए जिसके ऊपर डंठल लगा हो, और केला बिल्कुल साफ होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद केले को स्वच्छ जल से साफ कर लें। अब अपने मंदिर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाइए। इसके बाद मंदिर में एक साफ पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर केले को रख दीजिए। अगर साफ पीले रंग का कपड़ा ना हो तो आप एक प्लेट ले सकते हैं। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और केले को भगवान विष्णु का रूप माने। अब हल्दी से केले पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। स्वास्तिक को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अब केले को भगवान विष्णु का रूप मानकर और स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी का रूप मानकर प्रणाम करें। अब एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे थोड़े से साबुत चावल जरूर रखें और एक धूपबत्ती भी जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जाप करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की भी प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद केले को लें और गौ माता को खिला दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भक्त जो भी इस उपाय को सच्चे मन से करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।